नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज टाइम। आज हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद है जी बनी के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, हिमालयन ब्लॉगर के जो इन्फ्लुएंसर हैं, जिनको आपने हमेशा पहाड़ों पर देखा होगा। बनी की सुंदरता दिखाने में इनका बहुत अहम रोल रहा है, उनसे हम बात करेंगे। सर स्वागत है न्यूज टाइम में आपका। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर मैं ये लेकर जी एक बात जानना चाहूँगा कि आप इतनी मेहनत करते हैं बनी को एक्सप्लोर करने में, कि आज हम देखते हैं कि आपने जो है कोई भी ऐसी, चाहे मंदीधार की बात करें, सरथल की बात करें, या कई ऐसे हमारे बनी के जो हैं टूरिज्म को हमेशा आप इन्फ्लुएंस देते हैं। सर सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूं जी, तो मेरा काम ही होता है कि एक्सप्लोर करना है बनी को, क्या दूसरी जगहों को एक्सप्लोर करना है, खूबसूरत जगहें दिखाना है। ये है कि हमारे बनी वैली में, खासकर मैं बनी वैली की बात करूं जी जी, हाँ, ये लोगों पर डिपेंड है कि मैं कैसा नुमाइंदा होना चाहिए। जिस हिसाब से लोग नुमाइंदा चाहते हैं कि हमारी तरक्की होनी चाहिए, हमारी खासकर सरथल वैली एक पहचान है, ब्राउन जोमुल डिस्ट्रिक्ट कठुआ की तहसील बनी, एक बहुत खूबसूरत जगह है, तो ये टूरिस्ट प्लेस जगह है, तो खासकर ढग्गर है, सरथल है, ऐसी जगहों को मतलब सक्सेस बनाने के लिए, मतलब कामयाब बनाने के लिए, ताकि बाहर से टूरिस्ट आए, तो लोगों को चाहिए कि हमें वो नुमाइंदा होना चाहिए जिससे टूरिस्ट को फ़ायदा हो, या टूरिस्ट हट बने सरथल में, टूरिस्ट कम्प्लेक्स बने ताकि रहने के लिए कोई सुविधा हो। खासकर मैं सरथल की बात करूं तो यहाँ पर परेशानी है कि टेली कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि बाहर से जो भी लोग आएंगे, जब तक वहाँ पर मोबाइल सिस्टम ही नहीं चलेगा तो वो कैसे वहाँ बैठेंगे सरथल में। क्योंकि मैं ये बार बार कहता हूँ, आप भी सर बार बार कहते हैं कि अगर किसी ने स्विट्ज़रलैंड देखना है, पहलगाम देखना है, गुलमर्ग देखना है, आइए हमारे तहसील बनी में देखिए इन खूबसूरत हसीन वादियों को। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बोला। यहाँ पर लियाकत जी को आपने सुना कि हमारी बनी की जो सुंदरता है वो हमेशा जो है ये तस्वीरों में दिखाते हैं, अपने अपने चैनल के माध्यम से हमारे मीडिया कर्मी भी दिखाते हैं, लेकिन ये हमारे जो ब्लॉगर हैं, वो यूट्यूबर ब्लॉगर हैं, और इनकी मेहनत हमने हमेशा देखी है। एक मीडिया या एक यूट्यूबर, इनसे इसका कोई खास रिश्ता नहीं होता है, मगर अगर आपने ये सर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि ये अगर हमारे टूरिस्ट में यहाँ पर टूरिस्ट हट बनते हैं, ताकि बाहर से, इंडिया से, आउट ऑफ कंट्री से टूरिस्ट आए, हमारी बेरोजगारी जो ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमारे पहाड़ बहुत खूबसूरत हैं, बर्फ़ है, जंगल है, झरने हैं, मतलब हमारे जंगली जानवर ऐसे ऐसे हैं जो कि जम्मू कश्मीर में दो ही जगह पाया जाता है, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में, डिस्ट्रिक्ट कठुआ, हिमालयन थार। ये भी देखो किस्मत वाले हमारे बनी वाले में कि ऐसे ऐसे जानवर पाए जाते जो कि जम्मू कश्मीर दो ही जगह पाए जाते, जिसमें हमारा बनी नंबर अव्वल पर आता है। तो ऐसे ऐसे चीज़ें देखने के लिए खासकर मतलब डेकोरेशन की ज़रूरत है हमारी बनी वैली की, कि ये तो पूरा बनी वैली खूबसूरत है, ऐसे ऐसे पहाड़ है, लाखों किस्म के हिमालय हर्ब्स हैं, लोगों को देखने के लिए, मतलब टूरिस्ट के लिए कुछ देखने के लिए होना चाहिए, कुछ सब कुछ। हमने सुना यहाँ पर लियाकत जी ने कितने अच्छे शब्दों में बनी की तारीफ में, अगर हम इनसे पूछेंगे तो शायद एक लंबा इंटरव्यू चला जाएगा, और क्योंकि इनको एक एक चीज़ के बारे में वहाँ पर पता है। और आपको भी मैं ये कहना चाहूँगा कि बनी हमारी इतनी खूबसूरत है, आप बाकी राज्यों में जाते हैं एक बार बनी आके तो देखिए, वहाँ के नज़ारे तो आके देखिए। देखते रहिए द न्यूज़ टाइम।